हेलो दोस्तों, वेलकम टू खेतान के शैतान, माय यूट्यूब चैनल। भाई मैं तो भाई अतुल प्रताप सर। दोस्तों पिछले अध्याय में हमने बात की थी, सॉरी पिछले अध्याय में हमने जो बात की आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिकोमेट्री के जितने भी सूत्र होते हैं उन सूत्रों को कैसे बनाया जाता है, याद तो सभी करवा देते हैं दोस्तों, लेकिन सूत्र कैसे आते हैं ये कोई नहीं बताता है। सारे सूत्र बताएं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उन सूत्रों को देख लीजिए, उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों वो सूत्र आज हमारे काम आने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7 के, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं, ये इनके एग्ज़ाम में आने के 100% चांस हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो पे बात करते हैं। चैनल पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सॉरी, आइए वीडियो पे बात करते हैं। आपका क्वेश्चन पहला और दूसरा आसानी से हो जाएगा, केवल सूत्र बेस्ड क्वेश्चन है तो सूत्र मैंने लिखवा रखे हैं, वहाँ से केवल उनको लिखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कोस स्क्वायर थीटा सिद्ध करने का सूत्र है, सिद्ध करना है इसे। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है कोट थीटा के, ये समय सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं, LHS लेते हैं इस वाले साइड को, जो लेफ्ट हैंड साइड बोलता है उसे बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, बराबर के इस तरफ वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के राइट साइड वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड से उठा के सवाल को करते हैं आंसर। LHS बराबर हमारे पास क्या है, देखिए कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, इसको हमें सिद्ध करना है कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखिए दोस्तों पिछले वाले सूत्रों से, यहाँ से देखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोट थीटा को क्या लिखते हैं पिछले सूत्रों में बता चुका हूँ, इसलिए वहाँ से आप लोग देखिए कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कोट थीटा जो होता है, कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या बच रहा है, क्या बन रहा है, ऊपर वाले चीज़ से एलसीएम लिया तो क्या हुआ, देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लीजिए, इधर कुछ भी नहीं है तो इसके बटे में 1 मान लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तो एलसीएम क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों एलसीएम का सबसे अच्छा से बताता हूँ कि किस तरह से निकाल जाता है। तो अब इधर की बात करें तो इसके नीचे जो चीज़ है उसको भूल जाइए, इसके नीचे जो चीज़ है उसको भूल जाइए, दूसरे वाले के नीचे जो चीज़ है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसके नीचे क्या है दोस्तों, इसके नीचे क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगा, लिख लीजिए कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, देखिए यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाली चीज़ से कॉमन लिया कोस बाहर निकाला तो क्या, उसको हटाने के बाद क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस, इधर से एक कोस स्क्वायर ले लिया कॉमन तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा बच गया, कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, पिछले सूत्रों में बताया हूँ दोस्तों, अगर आपने सूत्र नहीं देखे हैं तो अभी भी जल्दी से जल्दी सूत्र देख लीजिए, पहले वो वीडियो देखिए तभी आपको ये समझ में आएगा। तो कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आया, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर
थीटा, वन से वन, वन से कोस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा कोस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर आर एच एस, यही सिद्ध करना था दोस्तों, आ गया। ये हो गया आपका पहला सवाल सॉल्व। आइए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, वो कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। ये प्रूफ करना है हमें दोस्तों, लीजिए बराबर के लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होगा एल एच एस, बराबर के राइट हैंड साइड वाला हो गया आर एच एस। तो आंसर में हम एल एच एस लेके सॉल्व करते हैं। एल एच एस लिया, एल एच एस हमारे पास क्या है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन अपॉन, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। प्लस सेक थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है बताया था, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, क्या बताया था, इसको पकड़िए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरे वाले से, दूसरे वाले से इसके वाले से, तो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ ये, तो इसके नीचे इसके उसको मल्टीप्लाई कीजिए दूसरे वाले के नीचे से, दूसरे वाले के नीचे से क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है दूसरे वाले के नीचे, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू इंटू वन बराबर बराबर क्या हुआ, तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन कोस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन होता है दोस्तों। तो वहाँ ऊपर क्या आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको खोल के लिखिए तो क्या होगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। वन अपॉन साइन क्या होता है दोस्तों, वन अपॉन साइन क्या होता है, वन अपॉन साइन होता है, वन अपॉन साइन होता है कोसेक कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर, वन अपॉन कोस क्या होता है, वन अपॉन कोस होता है इंटू तो इंटू का चिन्ह, वन अपॉन कोस क्या होता है सेक स्क्वायर, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, यही सिद्ध करना था, आ गया बार दोस्तों एल एच एस बराबर आर एच एस, यही प्रूफ करना था हमें। देख लीजिए सूत्र में कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चले दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा, अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए प्रूफ करते हैं, वही एल एच एस और आर एच एस ले लेते हैं, एल एच एस आर एच एस। एल एच एस लिया,
LHS लिया। दोस्तों अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है दोस्तों और एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस है क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर का आएगा। LHS बराबर क्या है दोस्तों, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए 1 माइनस साइन थीटा। दोस्तों देखिए इससे हमारे समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि इसमें इसका भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे क्या हुआ देखिए दोस्तों, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस, एक बार साइन 1 माइनस साइन थीटा इधर है, 1 माइनस साइन थीटा इधर है, तो कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर का वैल्यू कितनी हो गई, एक स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू कितनी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र होता है ना दोस्तों, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही हो रहा है हमारे पास। देखिए ए प्लस बी की जगह 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी की जगह 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, सूत्र में रख दिया तो वह ए 1 की जगह हमारे पास, ए की जगह है 1 और बी की जगह है साइन, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। रख दीजिए हमारे सूत्र में, हमारे समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे समीकरण में रखा तो क्या हुआ देखिए, रख दीजिए हमारे पास क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा ऊपर नीचे स्क्वायर आ गया, इसको अब क्या लिख सकता हूँ, बराबर 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 क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ऊपर नीचे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब होल स्क्वायर से क्या होगा, ऊपर नीचे स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर से क्या आ जाएगा, रूट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे कोस थीटा, तो क्या हो गया दोस्तों देखिए, 1 अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, माइनस की जगह माइनस, 1 अपॉन कोस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था हमने, और सूत्र अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में मैंने सूत्र पढ़ाए हैं वो वहाँ से देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा,
और साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है, ये बराबर आ गया RHS, यही सिद्ध करना था दोस्तों हमें, दैट्स ऑल, इति सिद्धम। अगले क्वेश्चन पे चलें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा, वही LHS RHS लीजिए, LHS और RHS, LHS को लिखिए, LHS बराबर क्या हो गया हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सूत्र होते हैं दोस्तों, सूत्र देख लीजिए, पिछले वीडियो में मैंने भेजा है, वहाँ से देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। जब तक आप सूत्र नहीं देखेंगे तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, देखिए क्या हो गया, अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, वन यहाँ से और वन यहाँ से, उसके अलावा क्या बच गया, कोट स्क्वायर थीटा और एक दो प्लस टू। अब देखिए दोस्तों ये कुछ बन रहा है, ये बन रहा है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र बन रहा है, देखिए क्या होता है, चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है, टेन स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर की जगह क्या है, कोट स्क्वायर थीटा है प्लस टू ए बी, टू ए बी की जगह टू है, अगर देखिए यहाँ पे टेन थीटा इंटू कोट थीटा में कर दूं तो क्या होगा, टेन थीटा जो क्या होता है वन अपॉन कोट थीटा होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन कोट थीटा होता है, देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, टेन इंटू कोट थीटा किया जाए, टेन थीटा इंटू कोट थीटा किया जाए तो क्या होगा, टेन थीटा जो होता है वन अपॉन कोट होता है, वन अपॉन कोट थीटा इंटू कोट थीटा, कोट थीटा से कोट थीटा बच गया, वन आ गया, तो दो इंटू वन किया तो क्या आएगा, वापस दो आ जाएगा, तो इससे हमारा सूत्र क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का सूत्र बन गया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह हमारे पास क्या है, लिखिए दोस्तों ए की जगह हमारे पास क्या है, ए की जगह हमारे पास टेन थीटा, ए की जगह हमारे पास टेन थीटा, बी की जगह क्या है कोट थीटा प्लस कोट थीटा उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर से दोस्तों क्या होगा, होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बच गया हमारे पास, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर RHS, ये सिद्ध करना था दोस्तों, तो ये आपका हो गया इति सिद्धम। देखिए यहाँ क्या आ गया, कोट थीटा आ गया, ए स्क्वायर, ए की जगह टेन थीटा, बी की जगह कोट थीटा उसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बच गया हमारे पास, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर RHS, यही क्वेश्चन में सिद्ध करना था दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा,
दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये मान लीजिए 100% चांस है इस के एग्जाम में आने के लिए। तो दोस्तों को शेयर कीजिए और इस सवाल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए आज ये सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, LHS बराबर के इस तरफ वाला RHS, LHS को उठाइए, LHS को लिया तो LHS बराबर क्या हो गया, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा। देखिए दोस्तों इसका हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, साइन की पावर 8 थीटा और कोस की पावर 8 थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, 4 × 2 = 8, 8 के दो टुकड़े कर दिए दोस्तों, 8 के दो टुकड़े कर दिए, 8 के दो टुकड़े किए तो 4 × 2 = 8, ठीक है ये थीटा। माइनस कोस को भी लिख सकते हैं, कोस के भी टुकड़े किए तो क्या लिखा, कोस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए हमारे पास सूत्र बन गया ये a² - b² बराबर a + b × a - b, ठीक है दोस्तों आगे चलें। तो देखिए a² हटाने के बाद a के लिए हमारे पास क्या बच गया, a ये हो गया, b ये हो गया, सूत्र में रखिए, सूत्र में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा a की जगह प्लस b, b की जगह क्या है कोस की पावर 4 थीटा। माइनस एक बार प्लस हुआ तो दूसरी बार क्या होगा, a की जगह क्या है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, हो गया ना दोस्तों a² - b² बराबर क्या हुआ a + b a - b, ये है ना सूत्र, ठीक है। आगे चलिए अब देखिए साइन की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा को हम कुछ और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहां से हमारे पास हो गया a² + b² और यहां से हमारे पास है a² - b², a² - b² के लिए हमारे पास सूत्र होता है a + b a - b, और हमारा अब ये सूत्र होता है a + b² बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो दोस्तों देखिए हमारे पास a की जगह a² की जगह तो a² है, b² की जगह b² है, किंतु हमारे पास 2ab नहीं है, 2ab नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार 2ab जोड़ देंगे और एक बार 2ab घटा देंगे, तो क्या होगा 2ab में जोड़ेंगे और 2ab घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसके अंदर कुछ भी समीकरण पे हमारा कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह क्या है हमारे पास 2, a की जगह क्या है हमारे पास, a की जगह है साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह क्या है हमारे पास, b की जगह है कोस स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़ा एक बार घटा देंगे, एक बार घटाया तो क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर वाली में टर्म में क्या था हमारे पास a² - b² साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसकी जगह देखिए a क्या है, a ये हो गया, b ये हो गया, ये वाला सूत्र लग रहा है a² - b² का, तो लगा दीजिए, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह लिख सकते हैं सूत्र खोल के लिखा तो a + b, a की जगह क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा,
देखिए दोस्तों, अब ये क्या होगा, इस पूरी टर्म की जगह, इस पूरी टर्म की जगह देखिए, अब यहाँ सूत्र से बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू की जगह टू, साइन ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए ए की जगह क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। बी की जगह क्या है, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यह बच यह गया, इसके बाद क्या बच गया, ये बच गया, लिखिए माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन। ये इधर से क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। अब देखिए यहाँ क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, और वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या बच गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इधर से क्या बच गया, वन इंटू, गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, गुणा करेंगे एक का किसी संख्या से गुणा करोगे तो वही संख्या आती है थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर आर एच एस। ये सिद्ध करना था दोस्तों, ये सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में ये सिद्ध करना था, साइन की पावर एट थीटा माइनस कोस की पावर एट थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस साइन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए यही आया हमारे आंसर में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आर एच एस। ठीक है दोस्तों, आपके इंपॉर्टेंट सवाल बताए मैंने ट्रिग्नोमेट्री के, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक सब्सक्राइब कीजिए जल्दी, बिल्कुल जल्दी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।